हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक चॉकलेट सॉस की रेसिपी आपके लिए, जो कि हम गनाश भी बोल सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी बोल सकते हैं इसको, जो बाहर हमें हर्षी सिरप मिलता है, चॉकलेट सिरप। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी से। हमें हाफ कप कोको पाउडर ले लेना है, और ये हमें गैस पर नहीं रखना है, पहले ही हमें मिक्स कर लेना है। टीस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर, और हाफ कप शुगर, ग्रैनुलेटेड शुगर है ये, और पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, एक पिंच नमक ले लेना है हमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। और जैसे ही पाउडर और शुगर मिक्स हो जाता है, तो हम ले लेंगे 1 कप मिल्क। 1 कप दूध लेके हमें ग्रेजुअली ऐड करते जाना है, एक साथ में नहीं डालेंगे हम, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोको पाउडर और शुगर को, ताकि हमारे मिक्सचर में कोई लम्ब्स ना आए। ग्रेजुअली ऐड करते हुए हम पूरा मिक्सचर मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखिए, 1 कप हमने पूरा मिक्स कर लिया है। अभी धीरे धीरे हमें मिक्स करना है ग्रेजुअली, और जैसा ही हमारा मिक्सचर मिक्स हो जाता है, हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर, आप देख सकते हैं लो फ्लेम है, और हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, ताकि लम्ब्स ना आए, क्योंकि धीरे धीरे थिक होते जाएगा। और फ्लेम लो ही रखनी है हमें, लो फ्लेम पर हम ग्रेजुअली उसको स्टर करते हुए पका लेंगे, जब तक हमारा बैटर थिक नहीं हो जाता। और जैसे ही हमारा जो मिक्सचर है थिक हो जाए, तो हम फौरन ही गैस ऑफ़ कर देंगे, और उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर, ताकि हमारे सॉस में अच्छा सा ग्लेज आ जाए, शाइन आ जाए। ये देखिए, 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर दिया है मैंने, और ये हमारा सॉस बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितना शाइनी और ग्लॉसी दिख रहा है। हम इसे आइसक्रीम के साथ केक्स पर ड्रिजल करके और बहुत तरीक़ों से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय।